हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है वो आर टी ब्यूटी सलोन के ऊपर है। सो चलो अब चलते हैं, पता करते हैं कि ये सलोन जो यहाँ की ओनर है रिंगू थापा, उसे कितना रुपए लगा ये सलोन खोलने में। तो चलो अंदर चलते हैं, उसी से पूछते हैं। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछना चाहूँगा। बट आपका पेशा चलो ये है मेकअप आर्टिस्ट, एज अ मेकअप आर्टिस्ट आपने इस फील्ड में काम किया है। सो इससे पहले आप कहाँ काम करती थी? इससे पहले मैंने बहुत सारे सलॉन्स में जॉब किया है। ओके, एज अ सीनियर मेकअप आर्टिस्ट आपने काम किया है एंड आप प्रोफेशनली ब्राइडल मेकअप सबसे ज़्यादा करती हैं यहाँ पे, है ना? ओके, पूछते हैं कि आपने सलोन कितने में सेटअप किया, क्योंकि जितने भी लोग हैं हमें देख रहे हैं उन्हें सबसे ज़्यादा तो यही क्यूरियोसिटी होगी कि आपने ये सलोन कितने रुपए में सेटअप किया। सो आपको टोटल अमाउंट कितना लग गया, पूरा सेटअप जितना भी है, शेल्फ वगैरह हो गए, मिरर्स हो गए, चेयर्स हो गए, शैम्पू स्टेशन हो गया, ये आपका फेशियल बेड हो गया, स्पा मशीन हो गया, सो आपको कितना लगा? ओके, 2 लाख तक लग गया। चलो गाइज, आप लोग को पता चल गया कि ये सलोन जिस तरीके का दिख रहा है ये पूरा 2 लाख पे सेटअप हुआ है। सो चलो अब वन बाय वन ब्रेकअप करते हैं कि इसमें जो मेन चीज़ें जैसे चेयर्स हो गए, मिरर्स हो गए, शेल्फ हो गए एंड ट्रॉलीज हो गए, शैम्पू स्टेशन हो गया, फेशियल बेड हो गया, स्पा मशीन हो गया, उसमें आपको कितना पैसा लगा, सो उसका ब्रेकअप अब पूछते हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम चेयर से। सो जो ये चेयर्स है इसमें से आपको एक चेयर कितने में पड़ा? बीच में आपको पड़ गया, ठीक है ठीक है। एंड अगर आप मिरर्स की बात करते हैं, सो ये मिरर्स तो मुझे दिख रहा है 5 फुट का एंड इसके पीछे लाइट भी बहुत अच्छी दिख रही है। सो ये एलईडी लाइट्स है या फिर आपने इसके पीछे लाइट्स का कुछ जुगाड़ किया है? ये एलईडी लाइट्स वाले मिरर नहीं है, नॉर्मल मिरर्स है, इसके पीछे हमने एलईडी लाइट्स लगाए, ये कम खर्चे में बहुत अच्छा दिखने वाला मिरर बन जाता है। ओके, सो गाइज आपको मैं अगर आपको प्रोटिप देता हूँ, अगर आपको इस तरीके का मिरर लगाना है, अगर उसके पीछे आपको लाइट्स चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि मिरर्स और दीवार के बीच में थोड़ा सा गैप दे सकते हैं एंड जिस तरीके से मैं देख सकता हूँ इसके पीछे, आप वो एक एलईडी लाइट्स वाली स्ट्रिप होती है वो आप लगा के इसका लुक और भी एनहेंस कर सकते हैं। सो इस तरीके का आपको लुक दिखेगा। सो गाइज ये प्रोटिप आपको दूसरे वीडियोज में देखने नहीं मिलेगी, आपको इसी वीडियो में देखने मिलेगी। सो आप ये वीडियो आगे तक देखते रहें क्योंकि आपको और भी पता चलेगा कि रिंकू थापा ने यहाँ पे और चीज़ें कितने कितने रुपए में ली। तो चलो ये मिरर्स की बात हो गई, अब बात करते हैं ट्रॉलीज की। सो ये ट्रॉलीज का जो खर्चा था आपको कितना पड़ा एक ट्रॉली? ये ट्रॉली है 2500। ओके, 2500 पे है एंड दूसरे मतलब वो देख के अकॉर्डिंगली, अब ये वाला देखोगे तो 2500 है एंड जो ब्लैक वाला है इसका थोड़ा 3000 या 4000 तक आई गेस इतना हो सकता है प्राइस। 2200। ओके, उससे कम है तो गाइज सॉरी मेरी माई मिस्टेक, बट मेरे को लग रहा था ये थोड़ा ज़्यादा होगा, बट कोई बात नहीं। एंड जो शैम्पू स्टेशन है वो शैम्पू स्टेशन को आपको कितना मतलब अमाउंट लग गया खरीदने में? ओके, 12000 में है। सो आप पहले फ्रेम में आ जाइए, आप जैसे छुपिए नहीं, आप यहाँ के मेन ओनर हैं तो आप अगर रहेंगे तो अच्छे से आप बता पाएंगे। तो चलो आपका जो स्पा मशीन है वो हमें दिखाइए कहाँ पे है। ओके, आपने खरीदा है, ठीक है। अब आप फेशियल बेड की बात कर लेते हैं, ये बेड मुझे बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सो आप बता सकते हैं इसकी कॉस्टिंग आपको कितनी पड़ी? लाइक आपने ये मार्केट से लिया या आपने ये किसी सेकेंड हैंड में लिया है कोई सलोन वाले से, कि मतलब आपका प्राइस थोड़ा कट हो जाए? ओके, ओके, वैसे ये 5000 का लग नहीं रहा है, इसको देखने में तो मुझे बहुत ज़्यादा और एक्सपेंसिव लग रहा है। सो गाइज आपको ये भी प्रो टिप ले लेना चाहिए इस वीडियो से कि अगर आप कम बजट में अपना सलोन सेटअप करना चाहते हो तो आप मोस्टली जो सलोन बंद होने वाले हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कीजिए और सेकेंड हैंड में लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपका कॉस्ट कटिंग बहुत हो जाएगा एंड आपका सलोन जो है वो आपके बजट के अंडर आ जाएगा और आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। सो अब देखते हैं, अब बात करते हैं आपके शेल्फ के बारे में। जो शेल्फ आपने शायद से अपने अकॉर्डिंगली आपने सेटअप किया होगा ना? ओके, सो जिस तरीके से मैं देख सकता हूँ सलोन, ये सलोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है एंड बड़े से बड़े प्रोफेशनल जो मैंने अभी तक के ब्यूटी स्टूडियोज देखे हैं, सलोन्स देखे हैं, उनको अच्छा खासा टक्कर दे देगा, क्योंकि आपने जो फैसिलिटी है वो सारे
वैसे फैसिलिटी दी है जो कि एक प्रोफेशनल सलून में मिलते हैं। सो गाइज, जो भी नासिक में हैं और जो इंद्रनगर के पास रहते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं एंड सर्विस ले सकते हैं रिंकू थापा से, या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आपको जो भी एड्रेस वगैरह चाहिए तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ का एड्रेस, एंड नंबर भी चाहिए तो वो भी नंबर भी डाल दूंगा, एंड आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रिंकू थापा को। एंड गाइज, मेक श्योर करें कि आप यहाँ पे आने से पहले अपॉइंटमेंट लें, क्योंकि अपॉइंटमेंट के बिना आप आएंगे तो आपको शायद से सलून फुल मिल सकता है, और हाँ फुल मिल सकता है, या फिर आपको उस दिन सर्विस नहीं मिल पाएगी। सो गाइज, अब देखते हैं ये जगह जो है वो सिटिंग के लिए, शायद से वेटिंग के लिए आपने रखा है ना। ओके सो वेटिंग का अच्छा आपने बनाया है, मतलब आपने जगह की प्रॉपर यूज़ की है। सो गाइज, अगर आप सलून खोलना चाहते हैं तो गाइज जितना भी आपको जगह दिख रहा है ना उनको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, लाइक हाउ यू यूटिलाइज योर स्पेस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो इन्होंने तो बहुत अच्छे से हर एक स्पेस को प्रॉपर तरीके से यूज़ किया है, एंड सलून छोटा है बट अंदर आने पे इतना सब सामान देखने पे लगता नहीं कि इतना सामान यहाँ पे फिट हो जाएगा इतने आराम से, बट बहुत ही ज़्यादा सही सलून है। एंड चलो बात करते हैं इसके आगे का, जो ये फ्रेम आपने ख़रीदा कहाँ से है मुझे आप बता सकते हैं, या फिर आपने बनवाया है या कहाँ से लिया मुझे बता दिए, बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि ये मैंने सेकंड में ही खरीदा था। ओके ओके सो आपको मोटा मोटा आपको इसमें खर्चा 10,000 लग गया, एंड मिरर्स में आपको कितना लग गया, दोनों मिरर्स में 4,000 आसपास लग गया, एंड चेयर्स वगैरह आपको 12,000 से 15,000 के बीच में पड़ जाता है, ट्रॉलीज आपको 2,000 से 2,500 तक का हो जाता है ना। हाँ, और उसके ऊपर ये शेल्फ वगैरह, आपको एक शेल्फ वगैरह तो कितने में लगा, मतलब पैसा आपको एक शेल्फ लगाने में ओके 100 रुपीज में एक शेल्फ है, उसको लगाने का खर्चा अलग से ना। ओके ठीक है, एंड शैम्पू स्टेशन आप देखोगे ये आपको कितने में पड़ गया था, 12,000 में ना। ओके एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गीजर भी है, गीजर कितने में पड़ा आपको, 3,000 में। एंड आपको जो ये स्पा मशीन दिख रहा है वो 4,500 तक अप्रॉक्स लगा है, एंड जो ये बेड है फेशियल बेड इसमें आपको कितना लग गया था, 5,000 लग गया। ओके एंड बाकी आप देखोगे तो इतने में इनका अच्छा खासा सेटअप हो गया सलून का, आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा सही लुक आ रहा है। एंड बाकी आप देखोगे छोटे मोटे खर्चे जैसे कि पर्दे हो गए या फिर स्पीकर्स हो गए, एंड बाकी आप देखोगे प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए जो मेन चीज़ें हैं, तो वो सब तो अलग से खर्चा है, बट वो भी इंक्लूड करके ही 2,00,000 हुआ है। सो प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए तो अगर आपको लेना है तो मैं प्रो टिप इनसे ही पूछ सकता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं कि कहाँ से प्रोडक्ट लेना होता है। सो आपने प्रोडक्ट कहाँ से लिया, मतलब कोई होलसेलर से लिया या आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर था। ओके सो जो नासिक में है उनके लिए ये दो जगह हैं जहाँ से आप सस्ते में होलसेल में अच्छा खासा प्रोडक्ट ले सकते हो ब्यूटी सलून का। अगर आप आउट ऑफ नासिक की बात करें, अगर आप आउट ऑफ नासिक रहते हो और आपको ब्यूटी सलून ऐसा सेटअप करना है और प्रोडक्ट्स लेने आपको सस्ते में, तो डेफिनेटली आप अपने नियरेस्ट होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं एंड उन्हें कॉन्टेक्ट करके प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर आप नॉर्मली जनरल स्टोर से ये सारे प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा मिलेगा। सो चलो, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। इस जगह का मैं आपको लिंक तो नहीं, एड्रेस जो है वो मैं दे दूंगा, एंड उस एड्रेस पे आप यहाँ पे आ सकते हो अगर आप नासिक में रहते हो, एंड बहुत सारे सर्विस एंड ऑफर्स रिंकू थापा के पास हैं आप लोगों के लिए। एंड इसके आगे की जो वीडियोज़ हैं वो गाइज डेफिनेटली वो इनके सर्विसेज के ऊपर होंगी कि ये स्मूदनिंग और कैरेटीन किस तरीके से करती हैं, सो वो सारे वीडियोज़ आपको आगे देखने मिलेंगे। सो गाइज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड रहिए, क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने मिलने वाले हैं। सो चलो, थैंक यू सो मच रिंकू थापा, आपने अपने सलून में हमें बुलाया एंड वीडियो एक शूट करने का मौका दिया। ओके वेट एक मिनट, मुझे एक चीज़ पूछना था, ये जो सलून है उसकी तो हमने बात कर ली आपके हर एक प्रोडक्ट्स के बारे में, आपके सेटअप के बारे में, मुझे एक चीज़ पूछना था कि जो ये आपने सलून लिया, ये शॉप लिया, ये शॉप आपका खुद का है या रेंट में लिया है। ये शॉप मेरा रेंट से ही है, इसका मंथली रेंट है 7,500। ओके एंड डिपॉजिट। डिपॉजिट 45,000। ओके सो ये पूरा दोनों इंक्लूड करके ही आपका 2,00,000 हुआ है ना, कि ये अलग से खर्चा था आपका 2,00,000 में ये सब। ओके सो गाइज जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सो उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपको रेंट डिपॉजिट एंड बाकी जो भी सेटअप का जो भी सलून का सेटअप है वो पूरा इंक्लूड करके इन्हें 2,00,000 लगा है। सो गाइज अगर आप लोगों को भी
अपना सेटअप करना है सलोन, तो आप ये टिप्स इस वीडियो से देख सकते हैं एंड इसी तरीके से सेटअप कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो प्लीज़ गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि इतनी मेहनत की हमने और आपके लिए इतना अच्छा वीडियो बनाया है। सो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।